मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 प्लस 2.5 प्लस 3.7 प्लस अप टू सोन प्लस एन टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन 2n प्लस 1 इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 4n प्लस 5 ओवर 6। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सपोज एस पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1.3 प्लस 2.5 प्लस 3.7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन 2n प्लस 1 इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 फोर एन प्लस 5 ओवर 6। सॉरी ये नहीं होगा। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एन इज इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.3 इज इक्वल टू 1, इसमें हम 1 पुट करेंगे n की जगह पे, 1 प्लस 1, फिर क्या होगा 4, 1 प्लस 5 ओवर क्या होगा 6। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1 2 होगी हमारे पास, और 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया प्लस 5 9 ओवर 6, 9 टूज आर 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3। सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। सो कंडीशन 2, अब हम देखेंगे कंडीशन 2। कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं कि लेट जो हमारे पास है पी ऑफ एन इज ट्रू, के ये हमारे पास क्या है ट्रू किसके लिए, एन इज इक्वल टू के के लिए। अगर ये एन इज इक्वल टू के लिए है तो हमारे पास ऊपर वाली जो ये स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास जिधर जिधर एन आ रहा उधर हम क्या पुट करेंगे, के पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा 1.3 प्लस 2.5 प्लस 3.7 अप टू सो ऑन प्लस क्या होगा एन की जगह पे क्या आएगा के, और ये क्या होगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k होगा, फिर क्या होगा k प्लस 1 और क्या होगा 4k प्लस 5 ओवर क्या होगा 6। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू k के लिए ये है, इसको हम क्या देंगे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि दिस मस्ट बी ट्रू किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अब इस पहली जो इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन था ना उसमें जिधर जिधर हमारे पास क्या आ रहा है एन आ रहा उधर हम क्या पुट करेंगे के प्लस 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा 1.3 प्लस 2.5 प्लस 3.7 अप टू सो ऑन प्लस के प्लस 1, फिर क्या होगा 2 के प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1, फिर क्या होगा के प्लस 1 प्लस 1 और होगा 4 के प्लस 1 प्लस
डिवाइड किससे करेंगे, 6 से। अब इसको सॉल्व कर ले, 1.3 प्लस 2.5 हो गया प्लस 3.7, अब 201 प्लस ये क्या होगी हमारे पास के प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू क्या हो गया के प्लस 1 और ये के प्लस 2 हो गया, और ये क्या होगा इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो 4k प्लस 4, मतलब 4k प्लस क्या हो गया 9 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको लेके हमने ये वाला एक्सप्रेशन को शो करना है। अब इक्वेशन 1 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ये चीज़ बनेगी,